हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 1.2। लेकिन इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ करवाए थे, नहीं सेकंड और थर्ड और फोर्थ, जिसमें क्या थे, जैसे मैंने आपको थर्ड वाला बताया था 0 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना। सो मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर निकालते थे, मैंने बोला था आपको डिनोमिनेटर दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये थर्ड वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं थे, मतलब 1-1 थे दोनों में, तो डिनोमिनेटर सेम था, हमें क्या किया था डायरेक्ट 10-10 का क्या किया था, मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, दोनों के अलग अलग है। तो पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, उसके बाद हम 10 को मल्टीप्लाई करके कितने भी रेशनल नंबर क्या है निकाल सकते हैं। सो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा डिनोमिनेटर सेम, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, 2/3 and 3/5। अब अगली स्टेप में क्या करना है, देखिए जो 4 है इसका मल्टीप्लाई आपको इधर कर देना है और ये 3 इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है, लेकिन दोनों साइड करना है, 2 × 4 / 3 × 4। ये मैंने 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, और नीचे 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है, 4 में भी आपको क्या कर देना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। सो देखिए इससे डिफरेंस क्या आया क्वेश्चन में, 2 × 4 से कितना हो जाएगा मेरा 8 और 3 × 4 से कितना हो जाएगा मेरा 12 एंड 3 × 3 हो जाएगा हमारा 9 और 4 × 3 हो जाएगा मेरा 12। देखिए डिनोमिनेटर मैंने सेम बना के, डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना थे, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया है मैं आपको एक बार और इस स्टेप में बता देता हूं। देखिए दोनों डिनोमिनेटर 3 और 4 है, तो एक दूसरे के अपोजिट क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई, 3 यहां है तो दो इस क्वेश्चन में 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 यहां है तो इधर 4 और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 = 3 × 3। जैसे आप ऐसा करते हो, आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। फिर अगली स्टेप हमारी वही रहेगी, क्या रहेगी अगली स्टेप बता देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों का क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो 8 × 10 / 12 × 10 एंड कितना आ जाएगा 9 × 10 / 12 × 10। So, 8 × 10 कितना होता है आपका 80 / 12 × 10 = 120 and 90 / 120। अब देखिए डिनोमिनेटर आपको हो गया सेम 120 120, 80 और 90 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे 81/120 और क्या आएगा 82/120, 83/120, 84/120, 85/120, 86/120, 83/120, 84/120, 85/120, 88/120। अब आपकी जो वर्क में रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6th और 7th भी सेम टू सेम है, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। सो आपके क्वेश्चन क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे, कहीं अगर दिक्कत आए तो फिर हम देख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके ट्रू और फॉल्स निकालने। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवा देता हूं, जैसे ये 0 है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और लेफ्ट में सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी नंबर पॉजिटिव के हैं, भले चाहे कितने कैपोन में हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे ट्रू, लेकिन वो कब होने चाहिए, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर है अगर, तो वो एक ट्रू, वो 0 के लेफ्ट में अगर नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए तो वो हो जाएगा ट्रू, 0 के लेफ्ट में होना चाहिए और नेगेटिव तो ट्रू, 0 के राइट में पॉजिटिव तो ट्रू। अब कोई बोल दे आपको कि 0 के राइट में नेगेटिव नंबर है तो क्या वो ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स है, 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव नंबर है तो क्या ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स है, क्या ध्यान रखना 0 के लेफ्ट में नेगेटिव 0 के राइट में पॉजिटिव तो ट्रू दोनों, बाकी आप फॉल्स बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर डी ए सी ए बी ए ए आप करके लाना और ये क्लियर कंफर्म करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है और रीजन बताना है, इसका रीजन बताना बहुत जरूरी है, ये प्लस है क्यों है माइनस है क्यों है, ये आपका वर्क रहेगा। और स्टेट ट्रू और फॉल्स ये जो इनको नंबर लाइन पे शो करके बताना मुझे कि नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाएगा। सो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।